हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निर्जला रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की मिठाई। नारियल की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है 5 से 6 नारियल लिए हैं। उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और उनको एक मिक्सर के जार में पानी के साथ ग्रिंड कर लिया है। इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा। अब जो है हम विथ घी इसको फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें घी के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमको इसे 10-12 मिनट भूनना है और चलाते रहना है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। ये जो हमारा नारियल का पेस्ट है, ये 1/2 kg के लगभग है, मतलब ये 1/2 kg से ज़्यादा ही होगा। जब तक हमारे नारियल का पेस्ट भुन रहा है, हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। हमारा नारियल का पेस्ट 1/2 kg है, तो हम शक्कर भी 1/2 kg ही लेंगे और उसमें पानी भी 1/2 कप डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे। और हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल सकते हैं अगर आपके पास, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। चाशनी को हमको 2 तार का लेना है। और देखिए, हमारे नारियल भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और चाशनी बनके तैयार है। तो हम इनको मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने को रख देंगे, फिर आप इनके लड्डू बना सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही इजीली ये लड्डू बनके तैयार हो गए थे, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कैसे लगे। देखिए, हम चाशनी और पेस्ट को इस तरीके से मिक्स कर लिया है और ठंडा होने को रख दिया था। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से आपको छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। जैसे आप साइज चाहे वैसे बना सकते हैं। तो लड्डू बनकर तैयार हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Find the real me. So let's go. Seize the feeling.